الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اس کلام پاک کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اعلان فرما کر اپنا مقدس کلام پاک جو تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے اس قرآن کو ہادی اور رہنما بنایا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو بھی متعین فرما دیا ہر قسم کا انکار کی شکل و صورتیں اختیار کیں سب سے پہلے سامنا مشرکوں کا ہی رہا یہ آیتیں مکی زندگی کی ہیں بالواسطہ اس انکار کی صفت سے مشرکوں کے ذہن سے موافقت رکھنے والے بھی اس میں شریک رہے تو قرآن کی حقیقت کو اہمیت سے جو ناواقف ہیں نابلد ہیں جاہل ہیں انہوں نے اللہ کا کلام پاک ہونے سے انکار کر دیا جب انکار تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کا انکار پھر اس کلام پاک کے ذریعے سے جو پیام ہے ہدایت و رہنمائی ہے اس کا انکار پس منظر یہ ہے نبوت کے اعلان کے بعد کئی دن مہینے سال گزرنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیام پیغمبری کے اوپر ثابت قدم رہے اذیتوں کے مختلف مراحل سے گزرے اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی اذیت مشقتوں کا سامنا چلتا رہا بلکہ نبوت کے قریب قریب 7 سال کی تکمیل تک بھی صرف اور صرف بمشکل مرد عورتوں کو ملا کر صرف 40 افراد اسلام میں داخل ہوئے وہ 40ویں فرد تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سلسلہ چلتا رہا آخر میں ہر طرف سے عاجز ہو گئے رکاوٹ پیدا کرنے میں اس پیام کے آگے بڑھانے والے کو روکنے میں اس کے پیام کو قبول کرنے والوں کی استقامت کو دیکھ کر اصل بنیاد تھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مشرکین مکہ کے سردار ہر قبیلے کے رہنما قابل لحاظ تعداد ہے جن کے اسماء گرامی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں ان تمام نے مکہ معظمہ میں ایک بیٹھک کی یہ تصفیہ کیا انہوں نے کہ آج بالآخر خطائی مرحلہ طے کر لیا جائے جس کو ہم اپنے لہجے میں کہتے ہیں
फाइनल बहस और गुफ्तगु हो जाए, एक नतीजा निकाल लिया जाए। इस तदबीर से दीन इस्लाम उसके इशाद और दीन इस्लाम कबूल करने वालों को उसके कबूलियत से रोक दिया जाए। उसकी शक्लें इस आयत से लेकर 5-6 आयतों तक उसी की तफसील है। सीरत की किताबों में इसकी ज़्यादा सराहत के साथ, तारीख़ इस्लाम में इसकी वजाहत तफसील मौजूद है। इन्होंने किया, जब ये जमा होकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाइंदा भेजकर बुलवाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ ही समझते हुए, शायद इन लोगों के दिलो दिमाग में हकीकत ईमान समझ में आ चुकी हो, गए। जाने के बाद कई पहलुओं सारी तारीख को पेश की, सारी कौम आजिज है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आपके इसकी वजह से सारे कबीलों के अंदर इफ्तराक हो गया, नफरतें पैदा होने लग गई, हमारे माबूदों को आप बुरा भला कहने लगे, और इसको नकबूल करने वालों को दोज़ख़ करार देते हो। इस तरह हम बुरे, हमारे माबूद बुरे, फुला 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 फुला, क्या आप ये चाहते हैं? ये सारी की सारी कोशिश के ज़रिए से अगर आप बहुत बड़े मालदारी का तस्वूर अगर रखते हैं, हम सब के सब मिलकर मुतफ़ हैं आपको सारे अरब दुनिया का अमीर तरीन मालदार शख्स बना देंगे, ये जिम्मा हमारा है, आप इससे पास आ जाइए। किसी ने यह तकबीर पेश की, अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, आपकी बादशाहत को मकबूल कर लेते हैं, हम आपके गुलामी को इख्तियार कर लेते हैं। किसी ने कहा, सबसे ज्यादा हसीन और जमील औरतों को अकबर चाहते हैं, वो भी जिम्मा लेकर हम तकमील कर देते हैं। कई शक्लें पेश की थी। दो बातें आने वाली, एक तो कुरान की हक्कानियत, ये वाकई अल्लाह ताला का कलाम पाक है, दूसरे के इंसान का कलाम नहीं है जो तुम समझते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, दूसरे के इससे रोकने के लिए तुम जो जद्दोजहद करते हो, इसके लिए क्या क्या शक्लें हैं। सबसे पहली बात है ये कह देना इनसे, अल्लाह ताला ने आप जो फरमाते थे अल्लाह का फरमान था, अल्लाह के फरमान के बग़ैर, अल्लाह के इरशाद हिदायत के बग़ैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं फरमाते थे। इसकी मज़ीद वजाहत कुरान में कई पहलुओं से गुजरी है, गुजरेगी, आएगी। सूरह नजम में चले जाएंगे, वहाँ यंतिफ़ानिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा से मुराद यही है। कुरान का हर लफ्ज़, हर माना, हर मफ़हूम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से एक चीज़ भी ना अपनी तरफ से, तुम्हारा जो ज़ाम बातिल है, गलत फहमी है, किसी और से लेकर कहते हैं, ये हरगिज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर सूरह फातिहा की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो कुछ है, सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला ही का फरमान है, अल्लाह का कलाम है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को, आपकी गरज को, आपकी तरफ से
कोई एक चीज भी नहीं है। पहले इस बात को तस्लीम कर लो। तर्जमा खुद बताता है, किसी ने यह तक कह दिया कि इंसानों में से कोई खास इंसान उनको मिला है जो उनसे प्याम मिलता है, उनसे लेकर सुनाने लगते हैं। उसी के तरफ इशारा है, कहेंगे कि असातिरुल अव्वलीन, पुराने किस्से, कहानियाँ वगैरह, बल्कि चंद नामों को भी जिक्र किया। सूरह नहल में पिछले चंद दिन पहले उसकी तफसील गुजर गई है। किसी ने कहा कि बाकमाल खास सब की ताकत रखने वाले अजिन्ना में से भी, यानी जिन्नात में से बड़े अजिन्ना के साथ ताल्लुक है, उनसे लेकर एक कलाम कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसानों में तो कुजा सारे के सारे इंसानी मखलूक जितने कमालात रखने वाले हों, सारे जिन्नात भी मिलकर सबके सब इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करते हुए इस कुरान के जैसा कोई भी एक हिस्सा, कुरान के जैसा बलागत का अंदाज, दूसरे कुरान का कमाल, कुरान के मानी और मतलब का, गैब की खबरें, आने वाली चीज़ों की बताने वाला, मरने के बाद होने वाली चीज़ें बताने वाला, मरने के बाद उठाए जाने वाली चीज़ें बताने वाला, जन्नत की तफसील पेश करने वाला, दोज़ख की हकीकत ज़ाहिर करने वाला, हश्र के मैदान की तफसीलात पेश करने वाला, ये माना और मतलब के साथ ये सोचने लग गए थे इंसान जो ज़बान में कमा रखने के बाद अरबी ज़बान के जो 32 हरूफ हैं, हमारी ज़बान भी अरबी है, इन्हीं 32 हरूफ से जुड़ती है, बनती है, और इसमें कमाल हमको है, ये समझ लिए कि इस जैसा कलाम हम भी जिक्र कर सकते हैं। सारे इंसान सारे जिन्नात मिलकर भी कोशिश कर ले एक दूसरे की मदद करके इसलाह कर लेकर बयान करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो कहीं ये ना समझे जिन्नात और इंसानों को छोड़कर दीगर और कई मखलूकात होंगे वो ऐसा कर सकते हैं, ये वो हम भी आने ना पाए। इंसान और जिन्नात को छोड़कर एक फरिश्ते भी एक बड़ी मखलूक है। फरिश्तों को तो इनकार है इस नहीं, तो मसला है इस नहीं। फरिश्तों को कभी इनकार रहा भी नहीं है भी नहीं। दूसरा पहलू, दूर से जब जिन्नात कहने के साथ फरिश्ते भी शामिल हो गए, जिन और फरिश्ते वो मखलूक हैं जो नजरों से ओझल हैं, जिन्नात को जिन इसीलिए कहते हैं कि वो इंसान की नजरें उनको गिरफ्त में ला नहीं सकते, दिखाई नहीं देते, फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते। फरिश्ते तो इसमें हरीफ बन नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सोचे तो फरिश्तों को भी लेना है तो ले लो। जिन्नत का सामना होता है फरिश्तों के साथ, आज भी होता है, आसमानों तक रसाई भी करते हैं। आका में खुदावंदी लेकर आने वाले फरिश्तों का सामना करने की कोशिश करते हैं। कुरान कहता है कि शहाब साकिब के जरिए से कि सर को भी कर दी जाती है, चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी ऐसी ताकत नहीं। और अल्लाह ताला की दीगर तमाम मखलूकात को इससे कोई आमना सामना है भी नहीं, तो रह गए आमना सामना करने वाले इंसान या जिन्नात।
शक व शुबा पैदा करने वाली जिन्नात में भी हैं, इंसान में भी हैं। अगर ये सबके सब इकट्ठा होकर इस बात पर कि कुरान लाए जैसा कुरान, उसकी वजाहत कर दी गई, चलो एक दस आयत है तो लाओ, पहले कुछ ना कुछ लाओ, बोले कम अज कम दस आयत है तो लाओ, कोशिश किया, करते रहे, जब पेश किया उनके अपनों ने खुद फैसला दे दिया कि ऐसा है नहीं, जो कुरान है ऐसा नहीं है। चलो कुरान के सबसे छोटा सूरा जो सूरतुल कौसर है, इतना तो करके बताओ, कभी नहीं कर सकते, खाली अल्फाज के जोड़ का नाम नहीं है, जोड़ का एक तरीका होता है, बयान करने का एक कमाल का अंदाज होता है, फिर एक तरतीब होती है, फिर उसके अंदर माना और मतलब होता है, और उसमें गैब वाली चीज़ों का जिक्र है, हर चीज़ का तस्किरा है। भले सबके सब आपस में एक दूसरे के मुआविन भी बन जाएं, हरगिज़ नहीं ला सकते, तो भले इसकी हकीकत को मानो, ये नादानी गलत फहमी है। दूसरे ऐसे इस कलाम पाक में हर एक के जहन के शक व शुबे को दूर करने वाली चीज़ें, इससे ऊपर वाली आयत में वजाहत हो गई, खल्क के अंदर पैदा होने वाले सारे शकूक व शुबहात, खल्वी बीमारियों को दफा करने वाले चीज़ का नाम है, इसके साथ जुड़ने पर तुम्हारे ज़ाहरी अमराज को भी, बेचैनियों को भी दूर करने वाली चीज़ है। हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए हमने इस कुरान पाक में हर किस्म के नमूने को, मिसालों को, या और वजाहत हो जाए तो एक ही मफहूम को फिर और दूसरे तरीके से, फिर तीसरे तरीके से, फिर चौथे तरीके से, इंसान को जो हिदायत चाहता है उसके लिए हर एक नमूना पेश कर दिया गया। इसीलिए फरमाया अल्लाह ने ये हदीस बादल्लाही व आयाती युमिनून, अब कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें, इसके बावजूद भी नहीं तो फिर हिदायत का रास्ते के तब आने आना ही नहीं चाहते, तो फिर जलालत व गुमराही तुम्हारी किस्मत में रहेगी। इसके बावजूद भी आबा अक्सर नासी लाकुफूर, लोगों की बड़ी तादाद कसरत हमेशा रही है अल्लाह की इस नेमत की नाफरती करने की, इनकार करने की, इस पर यकीन न करने की। जो यकीन रखे हैं उनके ईमान में और मजबूती पैदा कर दी गई, इस कलाम पाक का तकद्दस उनके दिलो दिमाग के अंदर और गहरा कर दिया गया, इससे जुड़े रहने, इसको मानने का ख्याल और पुख्ता कर दिया गया, मुमकिन इनके इनकार के अंदर ये चला। अब इन आयतों के बाद वो तफसील है, वो इससे रोकने के लिए दुनिया की हर किस्म की चीज़ नमूने, दुनिया के ज़ाहरी फवायद, हुक्मरानी, सारी चीज़ों को जो पेश किया, किसने कैसा पेश किया, किसने कैसा पेश किया, जवाब एक ही रहा, अल्लाह ने सिर्फ मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है, मैं अपना काम जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, मुझे इन सारी की सारी चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है, उसके अंदर ये था फुला फुला ये करके बताइए, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाहे तो करेगा, मेरे अख्तियार की बात नहीं है, और मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ हुक्म खुदाबंदी का पाबंद हूँ, बस वही चीज़ कर रहा हूँ और अल्लाह की फजल से मैं कर रहा हूँ, उसके लिए जो भी है बस अल्लाह तबारक तआला साथ देने वाले हैं, साथ दे रहे हैं। इस तरह हर मोमिन को क़यामत तक आने वाले ये सारी रुकावटों के बावजूद, आमिरियत इख्तदार के गलबे के बावजूद, हर किस्म की रुकावटें पैदा करने के बावजूद भी दीन और ईमान इतनी बड़ी दौलत और नेमत है, उसको इख्तियार करके रहो, जान और माल की परवाह न करें, अल्लाह ताला के पास अजर अजीम सबसे बड़ा दर्जा और कमाल वाला मकाम पाओगे, उसकी तफसील अगली आयत में है।